हेलो एवरीवन, आज बना रहे हैं साबूदाने के बड़े। क्योंकि सावन के सोमवार चालू हो गए हैं तो सभी लोगों का व्रत है, तो साबूदाने के बड़े तैयार हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं कैसे बनाते हैं इन्हें। सबसे पहले साबूदाना ये गला दिया था 2-3 घंटे के लिए अब उसे मिक्सर में पीस लेंगे। मूंगफली दी है, मूंगफली को पीस लेंगे और इसमें साबूदाने पिसा हुआ डाल देंगे। ये 3 आलू हैं जो बॉइल्ड कर लिए हैं, इनको भी इसमें रख देंगे और इसको अच्छे से मीसेंगे। साबूदाना पूरा पीस लेंगे और इसमें तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च। और कोई सामान नहीं डालेंगे क्योंकि ये व्रत वाली है। व्रत वाली होने की वजह से इसमें अपन और सामान नहीं डाल सकते। सिर्फ काली मिर्च डालती हूँ अभी तो, और हरी मिर्च, और जो अपन तलेंगे उसमें भी अब मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करेंगे या घी का इस्तेमाल करेंगे, और कोई तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि सोयाबीन या कोई और तेल जो व्रत में नहीं खाया जाता है। व्रत में खाया जाता है मूंगफली का तेल या फिर घी का इस्तेमाल ही करेंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च अच्छी डालते, थोड़ी ज़्यादा सी, जिससे कि अच्छा तीखा लगता है और अच्छी रहती है काली मिर्च। हरी मिर्च, सेंधा नमक, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको सबको मिक्स कर लिया है तो मूंगफली का तेल हाथ में लगाते हुए छोटी छोटी लोई बना लेंगे और मूंगफली के तेल में ही इसको छोटी छोटी लोई बनाते हुए पेड़े बनाएंगे, क्योंकि जो साबूदाना है वो चिपकता है हाथ में। तो आप जो व्रत में यूज कर रहे हैं घी या तेल, उसको हाथ में लगा लेंगे फिर बनाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं और आसानी से आपके पेड़े तैयार हो जाएंगे। छोटे बड़े आप अपने अनुसार बना सकते हैं, किस तरह के आप लेना चाहते हैं। फिर अब इनको बन गए, व्रत में बना रहे तो आप मसाला भी जो मैंने बताया उसके अलावा भी आप जो व्रत में खाते हैं वो मसाला भी डाल सकते हैं। अब मूंगफली के तेल में बनाएंगे तो कढ़ाई रख देंगे और मूंगफली का तेल डाल देंगे। मूंगफली का तेल गरम हो गया है, गरम में ही डालेंगे नहीं तो ये फट जाते हैं। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े सेकेंगे जिससे कि एक दूसरे से चिपके नहीं और फटाफट सेक लेंगे। जब दोनों तरफ थोड़ा सेक जाएंगे तब गैस को कम कर देंगे और धीरे आंच पर तब सेकेंगे। एकदम से पहले गरम तेल में ही डालेंगे। अब ये थोड़े थोड़े दोनों तरफ से सिक गए हैं, अब गैस को कम कर देंगे और धीमी आंच पर थोड़ी देर तक सेकेंगे कुरकुरा होने तक। इस तरह आपके फटाफट साबूदाने बड़े तैयार हो जाएंगे व्रत में खाने के लिए। अब ये साबूदाने के बड़े आपके ऑलमोस्ट सिक गए हैं, बहुत बढ़िया सिके हैं। अब ये सिक गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे और भी बड़े जो हैं साबूदाने वो सेक लेंगे। अब और भी बड़े सीख गए हैं, इनको गर्मा गर्म सर्व करना चाहिए दही या छाछ के साथ, जिससे कि पच भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये और भी बड़े सीख गए हैं। अब इस तरह ये साबूदाने बड़े तैयार हो गए हैं व्रत में खाने के लिए। अब गर्म गर्म सर्व कर देंगे, छाछ या दही के साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाला है छाछ में, जीरा भुना हुआ नहीं डाला है। इस तरह आप बनाइए और सर्व कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप और भी वीडियो मेरे देख सकें, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिल सके कि आप और वीडियो कौन से डाले हैं। सोमवार की सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।